अहम जानकारी, यूपी से बीजेपी ने आरपी सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और नवीन जैन उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि यूपी से बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और हमारे स्टेट हेड वीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वीरेन जी, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब इन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और समाजवादी पार्टी से पहले प्रत्याशियों के ऐलान की घोषणा कर दी है। देखिए, अभी बीजेपी के 9 राज्यसभा सांसद, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है जी, और उसमें से सिर्फ एक आदमी को रिपीट किया गया है, सुधांशु त्रिवेदी को। और इस बार बीजेपी 7 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। 7 जो नामों का ऐलान हुआ है उसमें 6 नाम नए हैं। सुधांशु त्रिवेदी दोबारा राज्यसभा जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और वो राजनाथ सिंह के जमाने में निजी सचिव रहे हैं, उनके साथ वो लंबे समय तक काम किए हुए हैं। अमरपाल मौर्य उमा भारती के साथ लंबे समय तक रहे हैं, उनके निजी सचिव के तौर पर काम किया है उन्होंने। संगीता बलवंत पहले पिछली सरकार में मिनिस्टर रही है, स्टेट की मिनिस्टर रही है, विधायक रही है। और इस जो नए नाम है, तेजवीर सिंह है या आरपीएन सिंह है, आरपीएन सिंह कांग्रेस से आए थे, इसका मतलब साफ है कि कुशीनगर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, उनको अब लोकसभा नहीं लाया जाएगा। और कांग्रेस से या दूसरे दलों से आए हुए लोगों को बीजेपी में काफी सम्मान मिल रहा है, बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। ये भी एक अपने आप में राज्यसभा की सीट देकर ये साबित किया गया है। तो आज जो राज्यसभा के नामों का ऐलान हुआ है उसमें बहुत सारे नए नाम है, जैसे नवीन जैन जो आगरा के पूर्व में मेयर रहे हैं और काफी संघर्षशील व्यक्ति माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है और वो कोषाध्यक्ष भी रहे बीजेपी के प्रदेश के, उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया है। साधना सिंह जो मुगलसराय से पहले विधायक थी और उनको अब इस बार चुनाव में उनका टिकट कट गया था, उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया है, वो क्षत्रिय है, राजपूत है। तो 2 महिलाओं को भी इन 7 नामों में दिया गया है टिकट बीजेपी की ओर से। तो जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात बीजेपी कर रही थी, उसने राज्यसभा के चुनाव में आगे बढ़ाया है उस बात को, और उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के समीकरण उन्होंने साधे हैं जी। तो ये एक बड़ा फैसला है और निश्चित ही ये भी साफ हो गया है, देखिए कि 10 सीटें हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में, 7 पे बीजेपी जाएगी और 3 पे समाजवादी पार्टी अपने से भेजेगी, यानी कि चुनाव अब निर्विरोध होगा, इलेक्शन नहीं होगा, और 3 नाम अब समाजवादी पार्टी की ओर से आने बाकी हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेन जी आपका। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि